ये बात तो हम सभी जान चुके हैं कि हमारे देश के भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी ने कल शाम 5:05 पे एम्स में अंतिम सांस ली। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि काफी पहले से उनकी स्थिति खराब चल रही थी। 93 साल के अटल जी के निधन के पूरे देश भर में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। वहीं आपको बता दें कि अटल जी को लेकर कई दिनों से खबरें आ रही थी कि वो बहुत बीमार चल रहे हैं। इसके साथ ही 2 महीने से एम्स में भी भर्ती थे, लेकिन पिछले 36 घंटे से उनकी हालत और भी ज्यादा गंभीर हो गई थी और उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। इससे पहले वो 9 साल से बीमार थे। राजनीति की आत्मा की रोशनी जैसे घर में ही कैद थी, वो जीवित थे लेकिन नहीं के बराबर। किसी से बात नहीं करते थे, जिनका भाषण सुनने विरोधी भी चुपके से सभा में आ जाते थे। उसी सरस्वती पुत्र ने मौन को ओढ़ रखा था। अटल बिहारी वाजपेयी का पार्थिव शरीर कृष्ण मेनन मार्ग स्थित उनके आवास पर रात भर रखा गया, जिसके बाद आज सुबह 9 बजे उनके पार्थिव शरीर को अनंत यात्रा पर निकाला गया और वहां से होकर अटल जी का पार्थिव शरीर भाजपा मुख्यालय पर लाया गया। वहीं इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि दोपहर 1:30 बजे से अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है, जो कि राजघाट तक जाएगी। वहां महात्मा गांधी के स्मृति स्थल के नजदीक अटल जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके साथ ही यूपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अटल जी की अस्थियां प्रदेश की सभी नदियों में प्रवाहित की जाएगी। लेकिन वहीं आपको ये भी बता दें कि इन सब चीजों के बीच एक सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है कि अटल जी को आखिर मुखाग्नि कौन देगा। जी हां दर्शकों, ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है कि आखिर अटल जी को मुखाग्नि कौन देगा। जी हां, ऐसा इसलिए है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने शादी नहीं की थी, जिसकी वजह से उनकी कोई भी संतान नहीं है। अब देखना यह है कि अंतिम संस्कार के समय उनको कौन मुखाग्नि देगा। बहुत ही जल्द इस सवाल का भी जवाब भी मिल जाएगा। बताया जा रहा है कि अटल जी ने शादी नहीं की थी, उनकी दत्तक पुत्री नमिता है। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि राजनीति में जाने के बाद अटल जी अविवाहित रहे, जबकि वो 1998 में जब 7 रेस कोर्स रोड में रहने के लिए पहुंचे तो उनकी दोस्त राजकुमारी कौल की बेटी और उनकी दत्तक पुत्री नम्रता और उनके पति रंजन भट्टाचार्य का परिवार भी साथ रहने आया। उनके परिवार के बाकी लोग मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहते हैं। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर के शिंदे का बाड़ा मोहल्ले में हुआ था। उनके पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक टीचर थे और मां कृष्णा घरेलू महिला। अटल के परिवार में उनके माता पिता के अलावा 3 बड़े भाई अवध बिहारी, सदा बिहारी और प्रेम बिहारी वाजपेयी और 3 बहनें थीं। साधारण परिवार से संबंध रखने वाले अटल जी का विचार बहुत ही उच्च था। लोग उनके विचारों को आज भी नहीं भूल सकते हैं और हर युवा के वो आदर्श बनते जा रहे हैं। अटल जी भले ही आज इस दुनिया को छोड़कर चले गए हों, लेकिन वो हर किसी के दिल में जीवित रहेंगे और वो हमेशा अमर रहेंगे। नेक्स्ट 9 भक्ति सागर से विनीत राय की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर,
कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।